नमस्कार, मैं गणेश सम्राट। जेके न्यूज नेटवर्क आज एक ऐसी सफर पर निकला है और हम एक ऐसी ट्रेन की कहानी बयां करेंगे जो पटना दीघा घाट से पटना घाट यानी पटना सिटी के जो पटना घाट है वहां तक जाती है। अमूमन 30 से 35 किलोमीटर की यह यात्रा इस ट्रेन की है, लेकिन विडम्बना है कि ट्रेन चले तो कहाँ चले। दीघा हाल्ट पे हम हैं और हमारे पीछे शहीद सवारी गाड़ी लगी हुई है। हॉल्ट से काफ़ी दूर ही ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि ट्रेन को हॉल्ट तक आने के लिए अब रास्ता नहीं है। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी तो काफ़ी जोश और खरोश के साथ, लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए पटना सिटी से पटना दीघा घाट को जोड़ा गया था कि लोग अपना सामान और व्यापारिक चीज़ यहाँ लाएँ और माल ढुलाई के माध्यम से लोग अपने सामान एक जगह से दूसरे जगह शहर में भीड़ भाड़ से बचते हुए पहुंचा सके। लेकिन आज आलम यह है कि मालगाड़ी बंद हो गया और इसे लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो यात्री गाड़ी में तब्दील कर दिए और उनका प्रयास था कि यात्री भीड़ भाड़ वाले पटना शहर से बचते हुए सीधे अपने गंतव्य स्थान को पहुँचे। आज दीघा हाल्ट अपनी बेबसी की रोना रो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना कोई बोर्ड है और ना ही कोई हॉल्ट, यानी यह कहा जाए कि टिकट घर भी बामुश्किल से एक है जो टिकट शायद कभी कटे या नहीं भी कटे। हालांकि आज जब हमारी टीम आई है तो यहां पे कार्यरत जो व्यक्ति हैं वह पहुंचे हुए हैं, लेकिन अंदर के हालात देख के यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि शायद इसके पहले यह खुलता भी होगा। कहानी एक और, हम दूसरे पक्ष भी चलेंगे। ट्रेन को आगे नहीं आने का रीज़न है कि रेलवे ट्रैक पर लोगों ने अपना घर बना लिया है, झुग्गी झोपड़ी और कई सारे सामान डाल के अवरुद्ध कर दिया है। करे भी तो क्या करे, रहने का जगह नहीं। भले ही विकसित बिहार की बात की जाती है तो दूसरे तरफ भारतीय रेल को सबसे बड़ी रेल बनाने के सपना देखने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु की भी निगाह है इस बिहार पे नहीं पड़ती। हम चलते हैं दीघा हाल्ट और देखते हैं कि टिकट काटने वाली जो व्यवस्था है कितने सुचारू ढंग से यहाँ पे कार्य कर रही है, जो यात्री हैं कैसे अपना टिकट लेके आगे की अपना सुखद अनुभव यानी सुखद यात्रा का अनुभव कहा जाता है कैसे हासिल करते हैं। हम चलते हैं, यह जो गेट है टिकट काउंटर का गेट है, हालांकि काउंटर बंद है, मेन गेट से ही हम अंदर घुस रहे हैं। इसमें कार्यरत जो व्यक्ति हैं वह कुर्सी साफ कर रहे हैं, महीनों से धूल लगी हुई है, यह दिख रहा है कि झोल लगी हुई है कि शायद इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पूर्व मध्य रेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बोर्ड लगा है, दीघा घाट हाल्ट के नाम से है। गाड़ी का नंबर दिया गया है, गाड़ी का प्रस्थान समय भी दिया गया है। शहीद पैसेंजर 586 10:10 पे शहीद पैसेंजर 588 यही ट्रेन वापस बन के जाती है। और एक कहाँ कहाँ जाती है यह पूरा एक विवरण हमारे पास है। झोल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह टिकट काउंटर नहीं खुलता है। रीज़न है कि रेलवे को जब नुकसान हुआ तो इसका निजीकरण कर दिया गया और दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर ठीका पर दे दिया गया कि आप टिकट काट के किसी तरह से रेलवे की इस गाड़ी को चलाया जा, लेकिन यह नहीं हो पाया। और यही वजह है कि इस ट्रेन से यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वह शायद टिकट नहीं लेते हैं। ये मैं आपको पूरा एक विवरण है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यह कुर्सी है जिसमें झोल लगी हुई है, और अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहाँ पे सब दिखा हाथ पे कहाँ से कहाँ यह ट्रेन चलती है, इसका प्रस्थान समय है साफ दिख रहा है। और यह देख के अंदाज़ा लगा कि जो बोर्ड रखा है कितने महीनों से या युक्त है कि सालों से पड़ा हुआ है, कि जो सीधे धूल लगी हुई है, जम गया है गंदा के अंबार से। इस पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ, आर ब्लॉक हॉल्ट, पुराना सचिवालय हॉल्ट, पुनाई चौक हॉल्ट, शिवपुरी हॉल्ट, राजीव नगर हॉल्ट, बेली रोड, पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, गुलजार बाग, पटना साहिब, पटना घाट, और तमाम जो जगह है 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी भाड़ा तालिका भी है, यानी सुविधा के नाम पे वह सब कुछ देने का प्रयास किया गया है मगर वह प्रयास अभी भी सकारात्मक रूप से नहीं दिख रहा है। टिकट पड़ा हुआ है क्योंकि टिकट मैनुअल ही है, शायद यात्री से खरीद सकें और इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे काम करने वाले सर, क्या नाम है आपका? धर्मनाथ सिंह। धर्मनाथ जी, क्या लगता है कि आप कितना टिकट प्रतिदिन दे देते हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल से यहाँ लोगों का भी ऐसा एटीट्यूड बना हुआ है कि बगैर टिकट के हम जाएं, और यहाँ कोई व्यवस्था पुलिस का नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए,
इसलिए टिकट बहुत कम 15 से 16 टिकट डेली बिकता है, बस मात्र यही दोनों टाइम में। क्या रीजन है कि ट्रेन को इतना दूर रखा गया है? हाँ, रखा गया है कि ट्रैक के ऊपर ईंटा बालू गिट्टी झोपड़ी सब बना हुआ है। ट्रेन आने का पहले ट्रेन आती थी अशोक राजपथ के पास टच करता था, सुन लीजिए, तो वहाँ टच करता था, पैसेंजर आता था, टिकट 250 से 300 कटता था। लेकिन आज जो स्थिति है सो आप देख रहे हैं ना, यही स्थिति है, इस वजह से गाड़ी यहाँ नहीं आ पाती है, यहाँ टिकट काटने में भी प्रॉब्लम होता है, समझे कि नहीं, टिकट काटने में प्रॉब्लम होता है, पैसेंजर जिधर जिधर से आके घुस के जबरन चला जाता है, यही स्थिति है। कितने बार ट्रेन आती है यहाँ पे? 2 बार। कब आती है? एक बार सुबह आती है 9:40 में, जो 11:30 में खुलती है, और 4:15 में जो आती है वो 6:20 में खुलती है। अब आप टिकट बेचने के लिए, टिकट काटने के लिए जो यात्री सफ़र करेंगे तो कहाँ जाएंगे उसके लिए? अब उसके लिए तो हमको वहाँ जाना पड़ता है, और जो कट रहा है सो कटता है, नहीं कटता हम क्या करेंगे। कितना टिकट काउंटर इस पूरे रूट पे है? इस पूरे रूट पर 7 टिकट काउंटर, अमूमन सभी बंद बताए जाते हैं। हाँ, करीब करीब स्थिति यही है, सब स्थिति यही। टिकट जांच नहीं होता है? टिकट तो जांच होबे करता है, होता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा। तो आपका ही कहना है कि 10 से 12 टिकट बिकता है, अगर टिकट जाँच होता तो ज्यादा संख्या न होती। जहाँ इसमें 250 से 300 टिकट डेली कटेगा। यह इनकी विडंबना है कि ठेकेदारी के बावजूद भी यह टिकट नहीं काट पाते हैं, क्योंकि यात्री टिकट नहीं लेते हैं, और वे कहते हैं कि आज तक गाड़ी आती नहीं है, लिहाजा ट्रेन में जाके ही 10-12 टिकट बामुश्किल से हम यात्रियों को दे पाते हैं, कि जो यात्री होते हैं 10 से 12 ही लोग टिकट लेते हैं, बाकी सारे यात्री विदाउट टिकट ही यात्रा करते हैं। करे भी तो क्या करें, मजबूरी है। और बुलेट ट्रेन की सपना देखने वाले जो रेल मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, वह पूरे भारत को विकसित करने की बात करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे गौरव प्राप्त है कि पूरे रेल को सबसे ज़्यादा मंत्री देने वाला यह प्रदेश आज खुद ही विडंबना है, खुद है इस रेलवे का विडंबना है कि जब रेल मंत्री, आज बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान भी रह चुके हैं, और लालू प्रसाद भी रेल मंत्री थे, और लालू प्रसाद के प्रयास से ही इस मालवाहक गाड़ी को यात्री गाड़ी के रूप में तब्दील किया गया और उसे यात्री गाड़ी बनाया गया। हालांकि रेलवे ट्रैक पर रहने वाले लोगों की कहानी ही कुछ और है, इनका कहना है कि रेलवे हमेशा बंद रहता है और यही वजह है कि हम लोगों ने झुग्गी झोपड़ी डाल दिया। हालांकि यह कहा जाए तो हम लोग हटाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि ना ही कोई व्यवस्था करने वाले लोग आते हैं और ना ही प्रशासन या रेलवे के कोई पदाधिकारी आके हमसे कोई बात करते हैं। करें भी तो क्या करें। आगे हम चलेंगे और इस अपने सफ़र पे अब ट्रेन की सवारी भी हम करेंगे और देखेंगे कि ट्रेन में कितनी टिकट बिकती है, ट्रेन की स्थिति क्या है, यात्रियों की सहूलियत क्या है, और किस सहूलियत के साथ एक सुखद अनुभव वाला यात्रा यात्री के लिए कितना होता है, हम देखने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरी टीम आज इस ट्रेन से सफ़र करेगी, शहीद पैसेंजर ट्रेन से हम सफ़र करेंगे, देखेंगे। बामुश्किल से ट्रेन तक जाना भी मुश्किल है, क्योंकि हालात देखिए, रेलवे ट्रैक के किनारे जो गंदगी का अंबार है, बारिश के पानी कीचड़ और किनारे किनारे जो झोपड़ियाँ हैं, उसके वजह से ट्रेन तक जाना भी मुश्किल है। यात्री जाए तो जाए कैसे, किसी तरह कीचड़ में और दूसरे मार्ग से ट्रेन तक पहुँचेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ट्रेन में कितने यात्री हैं, कितने लोगों ने टिकट लिया, और इस यात्रा को कैसे लोग सुखद करते हैं, और किस तरह इस यात्रा से लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। शहीद सवारी गाड़ी के सफर पे जेके न्यूज की टीम अब आगे बढ़ रही है, और आगे हम यात्रियों की सुविधा देखेंगे, ट्रेन की व्यवस्था देखेंगे, और ट्रेन चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनेंगे कि इस ट्रेन से सफर करना कैसे लोगों को सहूलियत देता है, क्या व्यवस्था है, और किस व्यवस्था से लोग अपनी यात्रा करते हैं, क्या इस ट्रेन में समुचित व्यवस्था जिसका दम रेलवे भरा करता है, क्या वह है या नहीं। हम दिखाएंगे कि कैसे
इस कीचड़ से सनी पटरी पे यह ट्रेन दौड़ती है। आगे हम चलेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी यात्रा अपने दर्शकों तक हम दिखाएं, पूरी यात्रा अपने दर्शकों को पहुंचाएं और इस दीघा पटना सिटी रेलखंड की कहानी अपने दर्शकों के सामने लाएं। तीन डब्बे की यह ट्रेन पूरी तरह खाली है क्योंकि अभी टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं और आज टिकट भी मिल रहा है। देखते हैं कितने लोग टिकट लेते हैं। एक व्यक्ति जो यात्री है, और आज के पहले आपने जरूर देखा होगा कि टिकट लेने के लिए रेलवे काउंटर पे, टिकट काउंटर पे लंबी भीड़ होती है, टिकट काउंटर पर बिकता है। पर एक ऐसी ट्रेन जिसका टिकट बेचने वाले जो ठेकेदार हैं वह बोगी में बर्थ घूम के जो यात्री है उनसे पूछ के दे रहे हैं। एक यात्री है, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। और यह कितने का टिकट है? 10 रुपया। कहाँ तक का टिकट है? यह टिकट पटना घाट माल सलामी तक। इसके बीच का टिकट अगर किसी को लेना होगा तो क्या मिलता है? जी नहीं, बीच का टिकट एक ही टिकट है जो आप चाहे जहाँ जाइए 10 रुपया का टिकट है, इससे कम नहीं है, कहीं नहीं। तो टिकट कहाँ कहाँ मिलता है? टिकट तो सब जगह काउंटर पर मिलता है, हर काउंटर पर मिलता है, लेकिन हम यहाँ दीघा में काट रहे हैं इसलिए टिकट दीघा का ही, दीघा से हम दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तमाम जो जगह दूसरी जो हॉल्ट है और वहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो बंद बताया जाता है। इसका वजह है कि लोग टिकट लेना नहीं चाहता है, जबरन जो है सो चढ़ता है। और ये मान लेते हैं कि एक आदमी टिकट काटने वाला है तो टिकट काटेगा कि लड़ाई लेगा, इसलिए नहीं के बराबर करीब करीब व्यवस्था के कमजोरी से नहीं के बराबर टिकट करता है। टिकट जांच नहीं होता है? टिकट तो जांच होते हैं पटना जंक्शन में, बीच में नहीं होता है। बीच में जाने वाले लोग उतर जाते हैं। जी हाँ बाबा, आप टिकट ले रहे हैं, कहाँ जाइएगा? आर ब्लॉक। आर ब्लॉक जाने के लिए 10 रुपए का टिकट? हाँ हाँ, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा जी। आप टिकट काउंटर से क्यों नहीं लिए? वहाँ गंदा है, भीड़ गए, आप रास्ता का अथी है जाने में, इसीलिए न बोले कि यहाँ बोगी में घूमते हैं तो ले लीजिएगा। विडम्बना है कि टिकट ले कैसे, क्योंकि टिकट काउंटर तक जाने के लिए जो रास्ता है वह कीचड़ से भरा हुआ है, गंदगी का अंबार है, जाने का रास्ता नहीं है। तो पैसेंजर जिन्हें टिकट लेना भी है वह नहीं ले पाते हैं। उन्हें इंतजार होता है कि कब कोई टिकट चेक करने वाला या टिकट देने वाला यहाँ आ जाए और देखे कि कब टिकट मिल रहा है और हम लोग टिकट ले लें। और यह कारवा है टिकट देने वाले लोगों का, कैसे जांच कर रहे हैं टिकट देने वाले लोग हैं जो जाँच कर रहे हैं। यह तस्वीर है कि कैसे इन्हें एक एक बोगी को, एक एक सीट को खोजना पड़ता है, तलाशना पड़ता है, तब जाके इन्हें एक दो यात्री मिलते हैं जो शायद ही टिकट लेने के लिए सक्षम होते हैं। यह इनकी कहानी। और फिर आगे देखते हैं कि कैसे लोगों को सर्च कर रहे हैं और उनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि आपने टिकट लिया है या नहीं। देखिए दूसरे यात्री से यह पूछ रहे हैं कि आखिर टिकट आपने लिया या नहीं, और उनसे पूछने के बाद उन्हें टिकट मुहैया कराया जा रहा है। यह अजब ही कहानी है। शायद निजी जो बस और दूसरी जो निजी सवारी गाड़ियां होती हैं उसमें कंडक्टर ऐसे टिकट लेते हुए आपको दिख जाते हैं, या किसी फिल्म की सीन में इस तरह की तस्वीर आपको दिख जा, मगर यह हकीकत है। इस तरह की कहानी है पटना घाट से दीघा घाट चलने वाली शहीद सवारी गाड़ी का। सीट है तकरीबन 150 यात्रियों के बैठने की, या 3 बोगी का सीट है, इसमें 150 यात्री यात्रा करते हैं पटना के दीघा घाट से पटना हाट तक, लेकिन इसमें मात्र 5 टिकट ही बिका है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ट्रेन का कैसे किराया मेंटेन हो पाता होगा, कैसे इस ट्रेन की मेंटेनेंस हो पाती होगी। आगे हम
ट्रेन की जो स्थिति है उसको देखेंगे कि आखिर यात्रियों के लिए किस तरह की सुविधा है।